मैं इस वीडियो को शेयर करने से पहले एक आपके साथ डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अगर आप अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो प्लीज़ आप वहीं रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। जी हाँ, मैं एक टाइम तक अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करवाती थी, यानी कि रिबॉन्डिंग और कैरेटिन, ये सारी चीज़ें बहुत करती थी। साथ ही साथ अपने बालों को बहुत हीट स्ट्रेटनिंग करती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट करके अपने बालों को रखती थी कि बहुत बाल मेरे सुंदर हो जाए, स्ट्रेट दिखे। ये मैं बहुत ज़्यादा गलती करती थी, इसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगे थे, झड़ने लगे थे और रूखे सूखे बेजान से हो गए थे। बट अब मैं 2 से 3 सालों से ये सारी चीज़ों को बंद कर दी हूँ और सारी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करती हूँ, पर थोड़ा सा मैं इस हेयर मास्क को अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे बालों में थोड़ी जान आ जाए। और आप देखिए मेरे बाल कितने घने, मुलायम, सॉफ्ट एंड सिल्की भी लग रहे हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को, इस क्लिप को इसमें ऐड कर रही हूँ कि आप इस चीज़ों को, अगर आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ यहीं पर रोक दीजिए, कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ को भी नुकसान करती है सारी चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा वाला एक रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है हेयर से रिलेटेड, और ये है बेस्ट हेयर मास्क। और मैं अपना यहाँ पे 3 से 4 साल तक से लगातार इस हेयर मास्क को यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही सीक्रेट चीज़ें। आप देखिए मेरे बाल बहुत ही गीले, और जस्ट मैं शावर करके आई हूँ, यानी कि नहा करके मैं आई हूँ, और इसी गीले बालों पर आपको इस तरीके से अगर अप्लाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप सैलून जैसा आप हेयर स्पा घर पे ही कर पाएंगे। और मैं इसी ट्रिक से करती हूँ क्योंकि सैलून में कुछ इसी तरीके से किया जाता है। बालों को पहले अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है और थोड़ा सा सेमी ड्राई किया है, यानी कि पूरा सुखाना नहीं है, बालों में हल्के हल्के पानी होने ही चाहिए। अब इसी पे आप कोई भी हेयर मास्क अप्लाई कीजिए और आप 30 से 35 मिनट तक अपने बालों में ज़रूर रहने दीजिएगा मास्क को, उसके बाद आप वॉश कर लीजिएगा नॉर्मल पानी से। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे और आपके बाल में एक अच्छी जान आ जाएगी। सेम मेरे साथ यही चीज़ हुआ, इन दिनों थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा डैमेज, रूखे और बेजान से हो गए थे। और मैं इस हेयर मास्क को अप्लाई करती हूँ करीब 1 महीने पे 20 दिन पे 25 दिन पे, और इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन हैं कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे बाल गीले हैं और मैं पूरे बालों पे अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं। और ये है एक लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क जो कि जस्ट आपको हेयर स्पा वाला रिजल्ट देता है। आप सैलून में जाते हैं 1500-2000 देकर के आते हैं और वो एक वॉश के बाद आपके बाल बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। और आप इसको एक बार बाय कर लेते हैं, यानी कि एक बार आप इसे ख़रीद लेते हैं इस हेयर मास्क को, तो आप 3 से 4 बार बहुत ही आसानी से अपने बालों पे हेयर स्पा घर पे ही कर पाएंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ और इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। और हाँ, इसके बीच में आपसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके मेरे चैनल के थ्रू। और आपकी एक लाइक से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है वीडियो अच्छे अच्छे बनाने की एंड अपलोड करने की। तो मैं यहाँ पे 30 से 35 मिनट तक अपने बालों में अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद ऐसे कवर करके छोड़ दूँगी और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लूँगी। और ये देखिए, क्योंकि एक बार में आपको 3 से 4 बार इस तरीके से हेयर मास्क को ले करके पूरे आपको जड़ से लेकर के एंड्स तक लगाना है और इसको इस तरीके से थोड़ा सा मसाज भी करना होता है। अब मैं बात करूंगी इस हेयर मास्क के बारे में, इसकी डिटेलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयरिंग हेयर मास्क और इसकी प्राइस है आपको 1000 के अंदर में ही ये आ जाएंगे और ये लगभग 250 ग्राम है और ये आप 3 से 4 बार बड़ी आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप चाहे तो 15 से 20 दिन में इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि आपका बाल भी झड़ना बंद होगा, क्योंकि आपका बाल अगर हेल्दी स्मूथ रहेगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपके बाल बहुत ही मजबूत होंगे और बाल झड़ेंगे भी नहीं। और मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिए।